जितने भी हम लॉन्ग रेंज डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं अपार्ट uh, फ्रॉम हम इसको फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बोल रहे हैं लेकिन uh, इसमें सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को भी डालना बहुत जरूरी है एंड उसमें आ जाता है डायरेक्टेड एनर्जी एंड एडवांस सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ अगेन यूज ऑफ एआई एंड डेटा ऑल्सो हम टारगेट uh, कर रहे हैं कि बाय देन uh, हम कॉम्बैट यू डेवलप करें एंड मैंड एयरक्राफ्ट एंड कॉम्बैट यू टुगेदर फ्लाई करने की क्षमता करें सो so, uh, यह है हमारा डेवलपमेंट प्लान लॉन्ग रेंज में बियॉन्ड टेन ईयर्स अप टू अ ट्वेंटी ईयर हॉराइजन जब हम एयरक्राफ्ट uh, की बात करते हैं उस हॉराइजन पे तो उस समय की वेपन्स भी अलग होंगी एंड उन वेपन्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल जो मैंने बोला हायर रेंज एयर टू एयर मिजाइल्स या प्रिसजन वेपन्स uh, ज़्यादा रेंज की स्टैंड ऑफ वेपन्स की उस समय जरूरी हो जाएगा कि बाई देन हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स ज़्यादा जरूरी हैं ताकि वो इंटरसेप्ट ना हो पाएँ एंड uh, उसी सिलसिले में uh, अगले दस uh, uh, कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं अगले दस साल में उसको और बढ़ाएंगे स्पेस एंड साइबर की कैपेबिलिटीज़ बढ़ के उस समय फुली इंटीग्रेट हो जाएंगी सर सो so, अगर हम बात करें ऑपरेशंस की फ्यूचर कॉम्बैट uh, को क्या हम सोचते हैं कि कन्वेंशनल वॉर होगी जैसे 71 में हुई थी या सेक्टर वाइज वॉर जैसे कारगिल में हुई थी या फिर वायुसेना का अगला बड़ा ऑपरेशन जैसे बालाकोट में हुआ वैसा होगा टू पनिश टेररिस्ट ये चीजें फोरकास्ट नहीं हो सकती बट इंपॉर्टेंट uh, ये है कि हमें सब चीज के लिए तैयार होना चाहिए तो अगर बालाकोट टाइप सिचुएशन होगी तो वी शुड बी रेडी एंड इसके लिए ट्वेंटी फोर रेडी होना जरूरी है दैट मीन्स फ्रॉम पीस टाइम करंट स्टेट ऑफ अलर्ट जो कि पीस टाइम सिचुएशन है उससे शॉर्टेस्ट टाइम में रिएक्ट करना जरूरी है एंड अगर दूसरे लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट या फुल फ्रेजेड कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए प्रिपरेशन इन एनी केस जरूरी है सो इट कैन बी फोरकास्टेड बट इट इज समथिंग दैट यू हैव टू भी रेडी फॉर लेकिन uh, क्या आपको लगता है कि एयरपार को समझने में अब देश काफी आगे बढ़ गया क्योंकि अगर हम कारगिल की लड़ाई की बात करें तो उस समय यूज ऑफ एयरपार को एस्केलेशन के रूप में देखा जाता था लेकिन जब बालाकोट में अपने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पीओके के, के बियॉन्ड जाकर एक सबसे बड़े आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया दैट वॉज नॉट सीन एज एस्केलेशन इट इज नॉट सिचुएशन वॉज डिफरेंट जब बालाकोट किया तो टारगेट uh, uh, एक पर्टिकुलर टेररिस्ट कैंप था एंड उसके हिसाब से यह व्यू था कि ये, ये, ये एयर पार्क को यूटिलाइज करना सही है एंड इन इट जो हमारी स्ट्राइक थी वो एस्केलेटरी नहीं होनी चाहिए थी ये डिफरेंट मैटर है कि उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया अगर वो हमारे टारगेट्स को हिट करते तो एस्केलेशन हो सकती थी तो उन्होंने 30 लड़ाकू विमान भेजे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अगले दिन हमने बालाकोट पे उनका टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किया हम सेफली सब वापस आ गए वो लोग हमारी सीमा में नहीं घुस पाए लेकिन उन्होंने बम दागे पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता है कि देर इज पैरिटी और दे आर ऑलमोस्ट एज गुड जितने अच्छे हम हैं उतनी अच्छी पाकिस्तानी वायुसेना है क्या आपका भी यही आकलन है हमने जब टारगेट किया तो हमने अपने टारगेट को हिट किया वो लोग तीस जहाज के साथ आए हमने उसको उनको चैलेंज किया और वो अपना टारगेट एक भी हिट नहीं कर पाए सुपैरिटी का सवाल किधर है तो पैरिटी का कोई सवाल ही नहीं है लेकिन वो क्लेम ऐसा करते हैं गॉड फॉरबिड अगर उन्होंने हिट कर दिया होता उन्होंने ये दावा किया कि वो हमारे ब्रिगेड को हिट करना चाहते थे क्या उससे फिर एस्केलेशन होता फिर क्या हम उनका ब्रिगेड हिट करते या हमारे पास कोई टारगेट सेट होते हैं कि उनको डेटोरेंट इफेक्ट हो वो सब कंजेक्टर है अगर ये होता तो क्या होता पर इम्पॉर्टेंट यह है कि उन्होंने ब्रिगेड को हिट नहीं किया यह नहीं कि उनकी क्षमता नहीं थी हिट करने की बट हिट नहीं किया ग्राउंड रियलिटी ये है सो so, अगर हिट नहीं किया तो वी लीव इट एट दैट हिट करते तो हम कुछ करते वो मैं आपको बताऊंगा नहीं हम उनसे सुपीरियर हैं इन टर्म्स ऑफ एयरपार लेकिन उनके रिटेलिएशन से हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है डू वी नीड हमको वो लॉन्गर रेंज ए टू ए मिसाइल्स चाहिए ए टू ग्राउंड मिसाइल चाहिए क्योंकि आप भविष्य की वायुसेना की न केवल कल्पना कर रहे हैं आप उस पर एक्शन ले रहे हैं सर ऑफ़ कोर्स, लॉन्ग रेंज ए टू ए मिसाइल्स चाहिए स्टैंड लॉन्गर रेंज चाहिए एंड ये हमारे प्लान में ऑलरेडी था इट इज नॉट दैट बिकॉज बालाकोट हुआ तो अब हम कर रहे हैं वो हमारे प्लान में ऑलरेडी फैक्टर था इनफैक्ट राफेल में ऑलरेडी आ रहा है बी वी आर विच इज़ मच लॉन्गर रेंज एंड ये हमारी कैपेबिलिटी बिल्डअप का एक हिस्सा था एंड अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग रेंज वेपन्स और नेटवर्क और सिक्योर कम्युनिकेशन सो दीज आर एरियाज दैट वी वर ऑलरेडी प्लानिंग टू इम्प्रूव एंड इट्स इन द प्रोसेस